दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके ने दिल्ली विधानसभा गैलरी में अखंड कीर्तनी जत्थे के संस्थापक भाई रणधीर सिंह की तस्वीर लगाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को एक पत्र लिखा और उसकी कॉपी दिल्ली के सभी सिख विधायकों के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी भेजी है। मंजीत सिंह जीके ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भाई रणधीर सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने वाले गदरी बाबों का साथ देने के साथ ही गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। भाई साहब ने अपनी जेल यात्रा के दौरान 22 पुस्तकें भी लिखी। भाई रणधीर सिंह ने जेल में पतित स्वरूप में सजा भुगत रहे शहीद आजम भगत सिंह से मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया था। भगत सिंह के सिक्खी स्वरूप में वापिस आने पर ही उन्होंने भगत सिंह से मिलने की शर्त रखी, जिसके बाद भाई साहब की संगत के असर के कारण भगत सिंह अपने सिक्खी स्वरूप में वापिस आए और इतिहास गवाह है कि जब उन्हें फांसी हुई तो वह अपने पूरे सिक्खी स्वरूप में थे। मांग की गई है कि दिल्ली की विधानसभा दे विच कई चित्र लगा रहे ने, फोटोग्राफ्स लगा रहे ने। मैं समझदा वा कि जिहड़ा नाम असी प्रपोज कर रहे हैं भाई रणधीर सिंह जी जेडे मुखी सन आनंद अखंड कीर्तनी जथे दे। भाई रणधीर सिंह दा जिहड़ा मैं समझदा वा कि लाइफ है वो अपने आप दे विच एक मिसाल है। जे मैं गुरमत वाले पासे कहां कि किस तरीके नाल उन्होंने गुरमत की लहर चलाई, कथा विचार कीर्तन करते सन। गुरद्वारा सह सुधार लहर उन्होंने 1914 तो सुरजीत की, और कमाल की गल ये कि सरकारी नौकरी छोड़ के वो आज़ादी की लड़ाई दे विच गए। अज जिहड़ी जगह पर बैठ के मैं बोलदा पाया गुरद्वारा रकाबगंज साहब जिहड़ा इतिहासिक स्थान है गुरु तेग बहादुर पातशाह का, इत्थे जदों वॉयस राय की कोठी बन रही सी पार्लीमेंट नाल बन रहा सी 1914 दे विच उन्होंने कोशिश की कि रकाबगंज की बाकी जमीन भी विच लै जाण, ते भाई साहब ने मोर्चा लाया सी, गोली चली सी और उहदे सिंह भी शहीद होए सीगे। और 1914 दे विच ही जिहड़ा एक बहुत इतिहासिक काम जिहड़ा लोकां दे ज़हन चों निकल चुका सीगा, कामागाटा मारू दा जिहड़ा जहाज़ कैनेडा ने वापस कीता सी और जस्टिन ट्रूडो ने उहदी माफ़ी भी मंगी है पार्लीमेंट जिहड़े प्राइम मिनिस्टर ने कैनेडा दे, उहदा भी जिहड़ा बजबज घाट गोली चली सीगी। बजबज घाट दे विच कलकत्ता जदों इह वापस कामागाटू मारू जहाज़ पहुँचिया सीगा उहदे शहादतां होईआं सीगा, उहदा भी बहुत वड्डा प्रोटेस्ट इन्हां ने लॉन्च कीता सी। और 1916 दे विच इन्हां नूं उम्र कैद होई सीगी और इन्हां ने जिहड़ी फिरोजपुर छावनी दे उत्ते हमले दे कारण इन्हां दी गिरफ्तारी होई और इन्हां दे उम्र कैद इन्हां नूं होई। सब तो वड्डी गल कि गुरद्वारे आज़ाद कराण दे विच, महंता कोलों छुड़ाण दे विच, लहर खड़ी करन दे विच, और उस तो वड्डी गल जिहड़ी मैं समझदा कि हिंदुस्तान दे इतिहास नाल जुड़दी है कि जिस वेले ये जेल च सीगे इन्हां नूं लंगर इन्हां ने मना करता जेल दा लैण दा, असीं आप लंगर पका के खावांगे। और उस वेले सर भगत सिंह शहीद भगत सिंह भी जेल दे विच बंद सन और जेल दे विच शहीद भगत सिंह होरां ने इच्छा जाहिर की कि मैं भाई साहब के दर्शन करना चाहना, और भाई साहब ने एक शर्त रखी सीगी कि तू पहले वापस सिक्खी सरूप दे विच आ ते मैं तेरे नाल बैठन नूं तैयार हाँ। भाई साहब की जिंदगी नूं देखते हुए, भाई साहब दे कथा विचार सुनते हुए वापस शहीद भगत सिंह सिक्खी उहदे विच आए और सिक्खी सरूप दे विच आए। और मैं समझदा वा कि यह बहुत वड्डी इन्हां दी देण सीगी कि जेल दे विच वी जिहड़े बाकी कैदी सी उहनां नूं वी इन्हां ने चढ़दी कला च रख्या और बहुत वड्डी कुरबानी इन्हां ने कीती। असी 2014 दे विच इत्थे अपनी गैलरी दे विच भाई साहब दी तस्वीर असी लगाई सीगी, ते मैं समझदा कि भावें धर्म दी गल होवे, भावें ओह आज़ादी दी लड़ाई दी गल होवे, और दिल्ली शहर दे विच उहनां दी कॉन्ट्रीब्यूशन है जदों दिल्ली शहर नूं गोरियां ने अपनी कैपिटल बनाउण दी गल कीती, इत्थे पार्लीमेंट हाउस वॉयसराय दी कोठी जिहनूं अज राष्ट्रपति भवन कहा जांदा है कनॉट प्लेस जदों बणिया उस वेले इन्हां ने मोर्चा लगा के ये नौवें पातशाह का शहीदी स्थान बचाया जिसनों हिंदी चादर कहा जाता है। सो मैं चाहवागा कि उन्हां दी तस्वीर जिहड़ी है वह जरूर लगनी चाहिए। मैं लैटर की कॉपी केजरीवाल जी नूं भी और उन्हां दे सिख एम एल ए नूं
मैं ये भी हैरानगी है कि सिख एम एल ए उत्थे जिहड़े बैठे ने ना तो किसी सिख एम एल ए वजीर बनाया गया हुण पिछे राज्यसभा दीआं 3 सीटां गईआं उहदे विच भी कोई सिख नहीं सीगा और सब तो वड्डी हमायती ए पार्टी जिहड़ी ए इह सिखां दी बणदी सीगी इह पंजाबी दी बणदी सीगी मैं चाहवांगा ये जिहड़े साडे सिख वीर उत्थे एम एल ए ने वो इन्ना क जरूर ध्यान रखण कि पंजाबी वास्ते और सिख इतिहास वास्ते जो भी कुछ इन्हों तो करा सकन वो जरूर करा।